15 अगस्त के मौके पर जॉन इब्राहिम थिएटर में पहुंच गए तो हमने भी सोचा चलो उनकी फिल्म वेदा देख आते हैं। पर वेदा सच में उन्हीं की फिल्म है या सरवरी वॉक की फिल्म है? क्योंकि वेदा तो वही है। रुको जरा, सबर करो, समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ बरकत, और 15 अगस्त के मौके पर ऑफिस के बाद मैंने वेदा देखी। पता नहीं क्यों देखी। 2.5 घंटे थिएटर में काटने के बाद मैं आपके जिंदगी के कुछ कीमती समय ज़रूर बचा सकता हूँ। तो चलो, कैसी है वेदा और आपको क्यों देखनी चाहिए ये बताता हूँ, और अंत में एक स्पॉइलर भी देने वाला हूँ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। तो कहानी है राजस्थान के बाड़मेर की, जो सच्ची घटना से प्रेरित है। ये कहानी आपको समाज के काले सच से सामना करवाएगी। जात पात से हमारा समाज आज भी नहीं उभर पाया है, और यही हाल इस मूवी में भी नज़र आता है। ऊंची जाति के लड़के को नीची जाति के लड़की से प्यार हो जाता है, और अब उस लड़के की बहन होती है वेदा, जिनके रास्ते का काटा है अभिषेक बैनर्जी जितेंद्र सिंह, जो कि गांव के प्रधान है। खैर, इतनी दुविधा होगी तो हीरो तो होगा ही। फिर एंट्री होती है जॉन इब्राहिम की, जिसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, और वो वेदा को प्रधान जी से बचाते हैं। भाई बहुत बचाते हैं। फिर हम मूवी देखते देखते पछताते भी हैं। खैर, वेदा के अपने सपने हैं, जो कि बॉक्सर बनना चाहती है, लेकिन ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को ये करने नहीं देते। पर मुझे समझ नहीं आया, वेदा को बॉक्सर क्या सिर्फ बस 5 पंच विलन को मारने के लिए सीखना था? क्योंकि उसकी बॉक्सिंग की कहानी आगे तो कहीं दिखी नहीं। ना तो उसने कोई खेल खेला, ना स्पोर्ट्स में आगे गई। अगर जॉन इब्राहिम ही उसे पूरी फिल्म में बचाते हैं, तो उसको बॉक्सिंग के पंच सिर्फ एक जगह क्यों यूज़ करने थे? खैर, इस फिल्म में एक्ट्रेस कहाँ है? इस फिल्म में तमन्ना भाटिया है। जब ट्रेलर में हमने तमन्ना भाटिया को देखा तो हमें लगा चलो कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन तमन्ना भाटिया को फिल्म शुरू होने से पहले ही मार दिया जाता है। सबकी आशाएं टूट जाती हैं। आगे एक सीन है मूवी में, जहां वेदा के परिवार वाले प्रधान जितेंद्र के सामने सर पर जूती रखते हैं और उसके भाई से नाक भी रगड़वाते हैं। वो देख समाज का आईना ज़रूर नज़र आता है, लेकिन वहीं एक सीन और है जिसे देखकर गुस्सा भी आया है। जब जात पात की लड़ाई लड़ते लड़ते वेदा को अभिमन्यु यानी कि जॉन इब्राहिम कोर्ट ले जाते हैं, तब कोर्ट में ही उनकी लड़ाई, फायरिंग सब कुछ हो रहा है। वहाँ कोई पुलिस भी नहीं है। जज साहब तक अपनी बात पहुँचाने के लिए इतना खून खराबा कर दिया गया, और अंत में सब मर भी गए। ना प्रधान बचा, ना अभिमन्यु, मतलब हमारा हीरो जॉन इब्राहिम भी नहीं बचा। खैर, फर्स्ट हाफ इतना लंबा कर दिया है कि क्या ही बताएं, और 2.5 घंटे की मूवी मानो लगता है 4 घंटे की हो गई है। ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और बहुत स्लो पेस से चलती है। अरे, जॉन भाई के डायलॉग तो इतने कम हैं, आधे टाइम तो वो स्क्रीन पर आंखों से ही बातें करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी एक्शन को जस्टिफाई करती है। सरवरी की एक्टिंग दमदार है। अभिषेक बैनर्जी नेगेटिव रोल में बवाल लगे हैं, और सूट भी किया है उन पर जिस तरीके से उन्हें प्रधान का रोल किया है। इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी है, जो कि मौनी रॉय बहुत अच्छे से बखूबी निभाती है, लेकिन वही आइटम सॉन्ग में टिपिकल हिंदी सिनेमा की तरह लड़ाई होती है और अपना हीरो अकेले सबकी वाट लगा देता है। कुल मिलाकर जाति व्यवस्था को लेकर मैसेज देने की अच्छी कोशिश की गई, लेकिन नाकाम डायरेक्शन और राइटिंग है। म्यूजिक भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दर्शकों को बांध कर ये मूवी तो बिल्कुल नहीं रख पाती है। इस मूवी में बॉक्सिंग को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा योगदान भी नहीं रहा है। खैर, मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री 2 और अक्षय कुमार की खेल खेल में और वेदा में किसी एक को चुनना हो तो वेदा मत देखिएगा, क्योंकि आई एम श्योर बाकी दोनों इससे बेहतर होगी। खैर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 2.5 घंटे अच्छे से तो यूज़ नहीं किए, पर मैं आपके 2.5 घंटे ज़रूर बचा लूँगा। और मेरा ये सवाल है मेकर से कि जॉन इब्राहिम को आप हमेशा इसी एक्शन में क्यों लाते हैं यार? उनसे कुछ डायलॉग बुलवाइए, उनको भी थोड़ा इमोशनल और प्यार में जाना चाहिए ना बाबा। पर नहीं गए ऐसा। और एक्टर्स के अभिनय अगर मैं बात करूं सरवरी की, तो इसके वजह से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूं। और अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने स्त्री 2 में जैसा रोल किया, एकदम अलग कैरेक्टर, और यहां पर उनका एकदम अलग कैरेक्टर, कसम से बवाल लगे हैं वो। खैर, इस मूवी को मैं 5 में से दूंगा 2.5 स्टार। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी, और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं कहता हूँ आपको अलविदा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रिव्यू के साथ, फिल्म की रिव्यू और OTT सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV9 Digital और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।